हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा बर्थडे सॉन्ग बनाएं नाम और फोटो के साथ, वो भी दोस्तों काइन मास्टर में। अगर दोस्तों मैंने बर्थडे की वीडियो बहुत सारी बनाई है और दोस्तों बर्थडे की वीडियो हमने छोटा छोटा भी बनाया है, अगर आप काइन मास्टर में नहीं बनाना चाहते या नहीं बना पाते तो आई बटन पर दोस्तों मेरी 2-3 वीडियो है, आप कोई भी सभी देख लेंगे तो उसमें आसानी से आप बर्थडे वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं काइन मास्टर से कैसे वीडियो बनाते हैं बर्थडे का वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल में क्या लिखा है, बर्थडे सॉन्ग बनाएं नाम और फोटो के साथ वो भी काइन मास्टर में। मतलब पहले हम बनाएंगे बर्थडे सॉन्ग, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नाम और फोटो जो भी लगाना होता है हम अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ से हम एक नाम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बर्थडे सॉन्ग मेकर ऑनलाइन यहाँ पे लिखना है दोस्तों, और जैसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे फाइंड योर नेम पर, एग्जांपल में राजा लिख दे रहा हूँ, आपका दोस्त का या फिर आपका क्या नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे राजा पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों प्ले बर्थडे सॉन्ग का ऑप्शन है, डाउनलोड सॉन्ग का है, तो डाउनलोड वाले ये आइकन दोस्तों जो बने हुए इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइनली मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं दोस्तों काइन मास्टर में, सॉरी दोस्तों अब हम चलते हैं पहले क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे एक फ़ोटो आपको और डाउनलोड करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है बर्थडे मेकर PNG फ्रेम। आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है PNG फ्रेम। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे आपको PNG फ्रेम मिल जाएंगे, जो भी आपको मन पसंद और भी अच्छा क्वालिटी का लगे आप यहाँ पे फ्रेम उसका डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मुझे काफ़ी अच्छा तो यही वाला लग रहा है, तो ये वाला मैं दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी गजब नहीं है दोस्तों। आपको क्वालिटी भी देखना है, अगर आपका क्वालिटी पावरफुल रहेगा तो ही आप डाउनलोड करना, वरना मत करना। तो यहाँ पे मैंने बर्थडे का एक और बैकग्राउंड यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे ये वाला मेरे को काफ़ी जच रहा है। अब इसको हम दोस्तों क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने काइन मास्टर में और वहाँ पर आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम काइन मास्टर ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से ये काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पे प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप कितना बाई कितना लेना चाहते हैं अपने हिसाब से आप चुन लीजिए। जैसे कि मैं 1x1 लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने 1x1 ले लिया है। और यहाँ पे हम चलेंगे मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहला बैकग्राउंड लेंगे। तो बैकग्राउंड यहाँ से हम देखिए ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको हम एनिमेशन रहन देते हैं, या दोस्तों आप चाहे तो काट भी सकते हो, नहीं तो आप रहन दे सकते हो। तो जैसे मैं कॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर हम इसको रखे रहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको फुल्ली यहाँ पे लगा दिया, अब इसको हम ऐसा कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा अटका रहेगा, ये हिलेगा नहीं। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। अब आपको यहाँ पर जो भी फ़ोटो आपको अच्छा लगता हो आप यहाँ पर लगा सकते हो अपने दोस्तों का। तो यहाँ पर आप अपना खुद का फ़ोटो भी लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैं एक फ़ोटो यहाँ पर ले लिया, अब हम इसको दोस्तों यहाँ पे छोटा कर देंगे। उसके बाद हम सेकेंड फ़ोटो लेंगे, अभी बताता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम मीडिया पे चलते हैं दोबारा से और यहाँ पे हम दोबारा से कोई फ़ोटो अच्छा वाला लेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला फ़ोटो भी ले लेते हैं, उसके बाद एक और फ़ोटो हम ले लेते हैं दोस्तों। तो वापस से हम लेयर मीडिया पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएँगे, उसके बाद यहाँ पर हम एक फ़ोटो और ले लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा 3 फ़ोटो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आएंगे और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है हैप्पी बर्थडे। तो मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे यहाँ पे जिस बंदे का नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ राजकुमार लिख देता हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको सेट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा। तो हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और वापस से हम इसको छोटा करेंगे, वापस से यहाँ लाएँगे। अब हम दोस्तों इसमें कलर से कलर मिलाएंगे। तो जैसे हम इसको करते हैं
हम इसको रेड कर देते हैं, देखते हैं अच्छा लगता है या नहीं। तो यहाँ पे रेड कर दिए। अब हमें बैकग्राउंड इसका हमें कौन सा कलर करना पड़ेगा, वाइट, क्योंकि वाइट पे ही दोस्तों यहाँ पे आपको कलर का भी ध्यान देना है, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कलर चुन सकते हो। ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक साइड में थोड़ा सा छोटा करके लगा देते हैं ताकि यहाँ पे नाम लिखा रहे। अब दोस्तों इसके बाद हम ओवरले पर आएंगे। ओवरले पे आप स्टिकर लगाना चाहते हो तो बहुत सारे स्टिकर हैं, तो यहाँ पे हम बर्थडे वाला स्टिकर हम खोजते हैं, अगर कोई मिलता है तो हम लगा सकते हैं तो लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे एक ये गिफ्ट वाला मिला है, तो कुछ इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे चिपकोने में लगा सकते हैं इसको। और हमने दोस्तों यहाँ पे तो लिख ही दिया है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कलर जो है दोस्तों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम सब बंद कर देंगे। अब देखिए अब एकदम साफ दिख रहा है। आउटलाइन को थोड़ा हम दोस्तों यहाँ पे रेड कर देंगे ताकि यहाँ पे जाड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी स्टिकर कोई भी फुल पत्ती लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप पहले से डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से इफेक्ट में आके या फिर दोस्तों पहले से आप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद मीडिया से आप वो निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम देंगे एक एक फ़ोटो पर एनिमेशन। तो एक फ़ोटो जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। आप जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि मैं दोस्तों ओवरले एनिमेशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ओवरले पे हमारा कुछ इस तरह से दोस्तों गोल गोल घूमेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले फ़ोटो पर देखते हैं क्या एनिमेशन हमको अच्छा लगेगा। तो इसका दोस्तों हमें दोस्तों ये हम फ्लोटिंग कर देते हैं इस वाले का। उसके बाद हमारा तीसरा है, तीसरा का इन एनिमेशन कुछ इस तरह से ड्रॉप हो जाए। उसके बाद हमारा ये एनिमेशन कैसा चले हम इसका सेटिंग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम, हाँ सॉरी दोस्तों, रिंग वाला देखते हैं कैसा है। हाँ रिंग वाला दोस्तों काफ़ी मज़ेदार है, आप सारे में रिंग वाला ही लगा सकते हो। अब बात आती है हमें म्यूज़िक सेट करने की। जो हमने म्यूज़िक पहले डाउनलोड किया था वो हमें यहाँ पे खोजना है कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन सारे चेक कर लेनी है। ये देखिए हमारा मिल गया, हमने जो यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे जो हमने सेव किया था यहाँ पे हो गया है। अब हम दोस्तों यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे इफेक्ट हम कैसे लगाते हैं, लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एक बैकग्राउंड लेना है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, इसको बड़ा कर दें। इसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे दोस्तों ओवरले पर आप क्लिक करोगे तो जैसे कुछ इस तरह से आपका फ़ोटो हो जाएगा। अभी देखते हैं दोस्तों इस वाले फ़ोटो को हम क्या करते हैं बता रहा हूँ। इस वाले फ़ोटो को हम दोस्तों यहाँ पे ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इस वाले फ़ोटो को हम दोस्तों पैरों के नीचे लगा देते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दोस्तों यहाँ पे आप इसको कम ज़्यादा अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इतना रखता हूँ। अब दोस्तों हम सारी वीडियो प्ले करेंगे फिर देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दोस्तों ये वीडियो प्ले हो रहा है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो हमने हैप्पी बर्थडे लिखा था इसको हम फुल कर लेंगे, फुल करके लास्ट एंड तक ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो फ़ोटो इसको लगाए हैं इसको भी दोस्तों हम फुल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी फुल कर लेते हैं। तुम्हारा बर्थडे भी आ गया। अब हम जो ओवरले पे रखे हैं इसको भी हम फुल कर देते हैं ताकि हमारा फुल्ली आ जाए। अब इसको आप प्ले करके आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा दोस्तों, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हमारा बन चुका है। और बिल्कुल इसी तरह से अपने दोस्तों को ये वाला आप वीडियो बना करके उनको जब सेंड करोगे तो दोस्तों चौंक जाएंगे कि भाई साहब ने कैसे बनाया। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया आपको सॉन्ग के साथ भी, और फ़ोटो और नाम जो भी आप डालना चाहते हो वो सारे डाल सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर दोस्तों आज आपका बर्थडे डेट है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो यार, 500 का टारगेट है, मतलब लाइक एम मैं रखता हूँ 500। आप लोग किसी तरह यार दोस्तों करवा देना। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो में।